आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। 22 अक्टूबर 2015 को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर नागपुर में पवित्र दीक्षा भूमि पर लाखों अंबेडकर अनुयायियों के सामने तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 350 कोटी रुपए की योजना की घोषणा की थी। 10 नवंबर 2015 को नागपुर इम्प्रूवमेंट प्रणय कार्यक्रम में योजना के डिजाइन एसोसिएट नोएडा के जय काकेटकर नापू की अधिकारी समिति के समक्ष प्रस्तुति की गई। 29 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास रामगिरी में तत्कालीन मुख्यमंत्री समिति के पदाधिकारियों सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के समक्ष दोबारा प्रस्तुतिकरण किया गया। 27 मार्च 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई शिखर समिति की बैठक में 350 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए की पहली किस्त को मंजूरी दी गई। 17 अक्टूबर 2018 को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 100 कोटी रुपए में से 40 करोड़ रुपए सौंपे, लेकिन आज तक 40 करोड़ रुपए के कोष को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है। दिसंबर 2019 में महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने पवित्र दीक्षा भूमि का दौरा किया। विलास गजघाटे ने इन सभी घटनाक्रमों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। पवित्र दीक्षा भूमि योजना 2015 से शुरू नहीं हुई है। इसके बाद गजघाटे ने पिछले महीने खुद शरद पवार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें निवेदन दिए। न केवल महाराष्ट्र राज्य में बल्कि पूरे विश्व में अंबेडकर के अनुयायियों की भावनाएं दिन ब दिन तेजी से होती जा रही हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार से इन सभी मामलों पर गंभीरता से विचार करने और योजना को तुरंत शुरू करने का अनुरोध करता हूँ, ऐसी मांग गजघाटे ने पत्रकारों द्वारा की है। त्यांना विनंती करतो, स्मारक समितीतर्फे हात जोडून विनंती करतो, पुढच्या महिन्यात मी त्यांना पुन्हा भेटतो सेशन झाल्यावर, आणि हे विधान हिवाळी अधिवेशन संपलं की पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतो आणि त्यांना विनंती करतो लवकरात लवकर काम सुरू करा। जर त्यांनी केलं तर बरं होईल, आपणही प्रयत्न करावा, आपणही सरकारला आमची मागणी सांगावी। आफ्टर ग्रँड सक्सेस ऑफ 2017 and 2018 शो and Cash Events and MSPM Group presents Third Cosmos Universe Beauty and Personality PGN 2022 Central and North India Level Modeling, Dance and Singing Competition Grand Finale on 31st December 2021 Central India's Most Trusted and Authentic Show Online and Physical Audition started Contact for audition and more information 99 70302975 बैंक ऑफ महाराष्ट्र सभी सरकारी बैंकों में वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 की पहले और द्वितीय तिमाही के दौरान ऋण और जमा वृद्धि में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा हुआ है। वर्तमान में बैंक देश के सभी राज्यों में मौजूद है और अखिल भारतीय स्तर पर सभी जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वृद्धि दर कुल जमा 14%, बचत जमा 16%, वर्तमान जमा 54%, सकाल अग्रिम 11%, खुदरा अग्रिम 14%, MSME 21%, कृषि अग्रिम 6%, शुद्ध लाभ 103%, परिचालन लाभ 40%, नागपुर क्षेत्र विदर्भ के 3 जिलों में फैला हुआ है। 4911 सर, जैसे उपलब्धियाँ रही हैं और आने वाले समय में। सितारा फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट चंद्रपुर का अपने स्वाद और सेवा के लिए जाना माना होटल सितारा अब परिवार के लिए भी फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट होटल सितारा। वही स्वाद मगर एक नया अंदाज, परिवार महिलाओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम वेज नॉन वेज एसी और गार्डन रेस्टोरेंट, इंडियन चाइनीज कॉन्टिनेंटल डिशेस, पंजाबी और सावजी पैटर्न स्पेशलिस्ट, डिलीशियस डेजर्ट और आइसक्रीम, सह परिवार खाना खाने का एकमात्र ठिकाना सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट, बापट नगर, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट शिरीष, मोबाइल नंबर 9764871578।
जिला प्रशासन ने कोरोना के प्रकोप और संभावित ओमिक्रॉन वायरस को देखते हुए अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने पर जोर दिया। अब तक 90% लोगों को टीकाकरण की पहली डोज और 50% को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। संभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने कहा कि हालांकि वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक प्रभावी हथियार है, नागरिकों को टीकाकरण के बाद भी कायरतापूर्ण व्यवहार के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। वहीं कलेक्टर कार्यालय में कोरोना के उपायों और टीकाकरण की समीक्षा के दौरान बोल रही थी। कलेक्टर अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे, अपर कलेक्टर विद्युत वरखेड़कर, नगर आयुक्त राजेश मोहिते, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत, डॉ. मिलिंद सोमकुबर इस समय मौजूद थे। संभागायुक्त लवंगारे ने कहा कि कोविड के सुरक्षित व्यवहार के बारे में विभिन्न प्रतिष्ठानों, बाजारों, औद्योगिक कारखानों, सरकारी कार्यालयों के साथ साथ संगठित और असंगठित नागरिकों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। अधिमानतः उन लोगों का टीकाकरण करें जिन्होंने दूसरी खुराक ली है। समय पर टीकाकरण के लिए लोगों के घर पहुंचे, टीम के घर पहुंचने पर ही 100% टीकाकरण हो पाएगा। चंद्रपुर में पहली बार अविश्वसनीय ऑफर, केवल कुछ हजारों में पाए ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज कारें। जी हाँ, चाहे आपके घर शादी हो या आपको किसी महत्वपूर्ण बिजनेस या पर्सनल कार्य से बाहर गांव जाना हो, तो अब आप शान से सवारी कर सकते हैं इंटरनेशनल टॉप ब्रांड कार में, क्योंकि आपका सपना साकार करने बेस्ट कार डील ले आया है बेस्ट कार रेंट, जहां पर आप पा सकते हैं सभी इंटरनेशनल कारें एकदम किफायती रेंट पर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान, मोबाइल नंबर 7276863203। विकास पुरुष सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, अर्धमंत्री और विधि मंडल लोक लेखा समिति प्रमुख के प्रयासों से बल्लारपुर शहर में नगर परिषद बल्लारपुर के द्वारा अत्याधुनिक और डिजिटल स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी की संकल्पना है कि बल्लारपुर शहर में नगर परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी अत्याधुनिक सुविधा के साथ साथ बेहतरीन शिक्षा मिले। अब वो संकल्पना जल्द ही साकार होने जा रही है। चंदन सिंह चंदेल, अध्यक्ष वन विकास महामंडल, और हरीश शर्मा, नगर अध्यक्ष नगर परिषद बल्लारपुर के मार्गदर्शन और नेतृत्व में दिनांक 15 दिसंबर 2021 को सारिका कनकम जी, सभापति नगर परिषद बल्लारपुर के द्वारा डिजिटल गर्ल स्कूल गौरक्षण वार्ड बल्लारपुर शहर में स्थित निर्माणाधीन स्कूल को भेंट दी और संबंधित अधिकारियों के साथ जाकर स्कूल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अधिकारियों को बेहतरीन और व्यवस्थित कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए विविध सूचनाएं दी। इस अवसर पर प्रमुखता से अभिषेक जाम्बुले, प्रमुख नगर पालिका बल्लारपुर, सतीश कनकम, शहर सचिव भाजपा बल्लारपुर, नगर परिषद कर्मचारी और अधिकारी इत्यादि लोग प्रमुखता से उपस्थित थे। हम मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति भारतीय मुस्लिम परिषद मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र राज्य में पिछड़े मुसलमानों की सरकार डॉक्टर महमूदुर रहमान समिति की रिपोर्ट के अनुसार और न्यायमूर्ति सच्चर की रिपोर्ट के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार ने अध्यादेश C14 9 जुलाई 2014 के तहत महाराष्ट्र में पिछड़े मुसलमानों को सरकारी नौकरियां और शिक्षा में 5% आरक्षण प्रदान किया था। यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4) और 46 में विशेष पिछड़ा वर्ग ए के अनुसार विशेष श्रेणी आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार किए गए थे। इसके ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज द्वारा 1902 में दिया गया पिछड़ा वर्ग आरक्षण अनुसूची में आरक्षण के लिए मुस्लिम पिछड़ा वर्ग के रूप में दर्ज किया गया है। 23 अप्रैल 1942 को बॉम्बे प्रशासन द्वारा जारी आरक्षण अधिसूचना में मुसलमानों को अनुसूची 155 पर अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह आरक्षण महाराष्ट्र सरकार द्वारा जुलाई 2014 में मुसलमानों के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए प्रदान किया गया था, लेकिन कोर्ट केस में यह आरक्षण, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय ने नौकरियों में आरक्षण पर रोक लगा दी लेकिन शैक्षिक आरक्षण जारी रखने की अनुमति दी। तत्कालीन भाजपा सरकार ने 6 महीने से अधिक समय पहले दोनों सदनों में अध्यादेश पेश नहीं किया था। 24 डिसेंबरला राज्यव्यापी आंदोलन आम्ही सर्व मिळून करणार आहोत। मुस्लिम संघर्ष समिति, भारतीय मुस्लिम परिषद आणि वेगवेगळ्या जेवढ्या सामाजिक संघटना आहेत, या 24 तारखेला प्रत्येक जिल्हाधिकारी, SDO, तहसील ऑफिस इथं जाऊन मुस्लिम आरक्षणाची मागणी करणार आहे। 5% मुस्लिम आरक्षण पुनर्स्थापित करावं अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेला आम्ही करीत आहोत। आमची मागणी धर्मावर आधारलेली नसून आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुसलमानांच्यासाठी आरक्षण द्यावं अशी विनंती आहे। 24 तारखेला, येत्या 24 डिसेंबरला
प्रत्येक जिल्ह्यात म्हणजे 35 जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर, तहसील कार्यालयावर आणि एसडीओ उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयावर प्रदर्शन करून निवेदन सादर करण्यात येत आहे की मुसलमानांचं 5% आरक्षण त्यांना परत करा। राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना यांना आम्ही विनंती करीत आहोत की मुस्लिम आरक्षण हे संवैधानिक असून इथं धर्माचं काहीही देणं घेणं नाही। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुसलमानांचं पुनरुत्थान करण्यासाठी, राष्ट्रीय प्रवाहात राज्याच्या विकासात त्यांना सामावून घेण्यासाठी, प्रतिनिधित्व आणि अधिकार आणि सहभागाची मान्यता देण्यासाठी त्यांना आरक्षण देण्यात यावं। आमच्यासोबत ॲडव्होकेट फरद बेग साहेब, ताहिरा शेख साहेब, ॲडव्होकेट जावेद शेख साहेब, सय्यद साहेब, सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही आंदोलन 24 तारखेला पेटवणार आहोत।